गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत धीरे धीरे करके आते हैं, 8:30 बज चुका है और अभी सारे स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आ पाए हैं। यानी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लोग आते हैं, और जानते हो क्यों? केवल इसलिए कि वो लेक्चर बाद में सुन लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कभी कभी क्या लगता है कि चलो थोड़ा क्लीन होगा, है ना, बाद में सुन लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है कि मैं फिर ये अपलोड करना बंद कर दूंगा। कारण ये है कि आप लोग अगर प्रॉपर क्लास नहीं करेंगे, क्लास करिए उसके बाद उसका रिवीजन करिए, तो रिवीजन करने में क्या होगा कि आपको 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि क्लासेस कोई भी मिस ना करें किसी भी तरीके की। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में होपफुली आप लोगों ने एल्केन पूरा रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि एल्केन अच्छे से आएगा तो फिर एल्कीन में हेल्प मिलेगी आपको। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हम लोगों ने पहली जो प्रिपरेशन पढ़ी है अभी तक डिहाइड्रेशन पढ़ी है, ठीक है ना। और डिहाइड्रेशन में हमने आपको कल बता दिया था कि कैसे मैकेनिज्म का पार्ट होता है, इन व्हाट मैनर द OH विल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन एंड H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन इज लिविंग ग्रुप एंड रिमूव वाटर एंड फॉर्म कार्बोकैटायन एंड रीअरेंज देन रिमूव हाइड्रोजन एंड फॉर्म मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। क्लियर, यहां तक हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बता दिया था कि ये इवन मैकेनिज्म है, इवन मैकेनिज्म की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो इवन का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, डिहाइड्रेशन तो आपने समझ लिया कि कभी भी कहीं पर भी अगर OH लगा होगा तो वाटर निकाल के आप कार्बोकैटायन बना के हाइड्रोजन निकाल दोगे। लेकिन कल हमने आपको एक चेयर फॉर्म दी थी, और चेयर फॉर्म में हमने आपसे कहा था कि इसका डिहाइड्रेशन करके दिखाओ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन में ही, चेयर फॉर्म में। थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का ही पार्ट, बस 3 से 4 मिनट का डिहाइड्रेशन बचा हुआ है। डिहाइड्रेशन में हमने आपसे कहा था, जरा देखिए क्या कहा था, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के दिया था हमने। आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, ठीक है ना। और यहां लगा दिया था मैंने OH, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ लीजिए, उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर ही लोगे। और यहां पर लगा हुआ है इस तरफ, यहां लगा हुआ है, मान लिया एक लगा हुआ है A या CH3, और यहां लगा हुआ है CH3, ठीक है ना, और H+ से रिएक्शन करवाई गई, H+ डेल्टा और H2SO4। तो आपको क्या करना है, नोट करके क्या लिखना है, पहले कर लेते हैं फिर लिखिएगा। तो H+ ऑफकोर्स कहां पहले अटैक करेगा, H+ पहले अटैक करेगा, वही ये वाले, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा, और यहां पर बन जाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन बनते ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप जब बाहर निकलेगा तो ये जो सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन तो ऐसी आ जाएगी, ऐसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, और यहां पर CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा। अब सिचुएशन ये है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर यहां शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जब यहां शिफ्ट होगा तो इट ट्रांसफर द मिथाइल। नाउ द कंडीशन इज ये वाला, अच्छा ये पता है आपको, ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये वाली है एक्सियल पोजीशन, और ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये वाली है इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है ना, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट यह है कि इक्विटोरियल ट्रांसफर होगा कि एक्सियल ट्रांसफर होगा, बस यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको नोट करके क्या लिखना है कि कार्बोकैटायन में जो भी ग्रुप लगा होता है ऑलवेज एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, आप लोग लिख लो, ऑलवेज एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा। और एंटी ग्रुप का मतलब समझते हो, अच्छा कुछ लोग इसको एंटी ना पढ़ के एंटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब एंटी कैसे पता चलेगा कि ये OH देखो ऊपर साइड लगा हुआ है तो ये CH3 नीचे साइड लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्म है ना, एंटी का मतलब ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम एंटी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आप समझ लो कि आपको हमने बता दिया है कि सिस और ट्रांस क्या होता है। इसमें आप इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन से मत याद करिए, आप ऐसे याद करो कि OH ऊपर लगा है, CH3 ऊपर लगा है, तो ये वाला OH है, ये वाला CH3, ये काम करने नीचे वाले CH3 को स्टार दे देते हैं हम,
है ना, जिससे आपको डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओगे। तो OH यहां पर है और CH3 यहां पर है, तो दोनों CH3 OH ऊपर साइड है, CH3 ऊपर साइड है, हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंगली बोथ ग्रुप्स आर अबव द प्लेन, तो क्या होगा, इसीलिए इसको सिस कहते हैं। जबकि ये OH ऊपर साइड है और ये स्टार CH3 नीचे है, तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो दोनों ऊपर नीचे है ना, तो इसलिए ये ट्रांस है और इसी को एंटी कहते हैं। याद रखना एंटी ग्रुप हमेशा जब ये प्लस चार्ज आएगा, प्लस जब यहां से यहां आएगा तो एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वहां पर उसके रिपल्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आपको ये याद रखना होगा, एंटी एंटी याद नहीं रख सकते तो ऑन्टी याद रखो, और आंटी आंटी याद रखो, एंटी याद नहीं रख सकते। आंटी हमेशा मूव करेंगी, ठीक है ना, किसमें, डिहाइड्रेशन इन चेयर फॉर्म में हमेशा, और आंटी माइग्रेट करेंगी। वो चाची 420 देखी है ना, बस वही चाची 420 समझ लो, आंटी चाची 420 है ना, तो हमेशा ध्यान रखना सिन माइग्रेट नहीं करेगा। अच्छा एक बात और, अगर एंटी है ही नहीं, मान लिया ग्रुप, चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर एक कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या करोगे जरा बताओ मुझे, ये नोट कर लिया ना, ठीक है। अब ये वाला प्लस चार्ज यहां आएगा, ठीक है ना, और ये वाला CH3 ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर कर जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, और यहां पर प्लस चार्ज, ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, और ये वाला प्लस चार्ज, और ये वाला लाइक दिस, ठीक है ना, ये सिचुएशन आ जाए। अब हाइड्रोजन कहां से चाहिए, यहां से चाहिए, यहां कहीं से निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, कहीं से निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इट इज कॉल्ड, इट इज वॉट, इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना, रब कर रहा हूं इसको। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो लैपटॉप में जूम जो है करते हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, कई बच्चों का मानना था स्क्रीनशॉट जूम पे नहीं ले पाते हैं उस पे लैपटॉप पे, तो आप क्या करो, आपके पास मोबाइल तो होगा ना, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया करो, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया करो या नोट किया करो प्रॉपर, ठीक है ना। अब जरा एक चीज और देखो, लेकिन अगर मान लिया डिहाइड्रेशन में ऐसा यहां पे, ठीक है, यहां पर लगाया मैंने एक OH और यहां लगाया CH3, समझिएगा, यहां लगाया मैंने OH, यहां लगाया मैंने CH3, और मैंने कहा कि H+ की रिएक्शन करनी है। देखो ध्यान रखना, हमने दो OH लगा दिए हैं, ये दो OH लगाने से पहले, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक काम करो, इसका एक आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आसान क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब जरा देख लो, CH3 CH CH CH3, यहां लगाया OH, यहां लगाया OH, ठीक है ना। और अगर एक काम करो, H और H को हटा दिया जाए, दोनों CH3 लगा दिया जाए, एक टर्म यहां पर एक काम करते हैं, हालांकि इसमें भी कर सकते थे लेकिन एक, चलो पहले यही कर लो, अच्छा फिर आगे हम आपसे करवा लेंगे, है ना, ये वाला। अगर मान लिया नाउ इट इज वॉट, इंट्रामोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई, अभी तक की एक OH था ना हमारे पास, तो एक OH में H+ कैसे अटैक करता था आप सभी को पता है, हालांकि यहां पर क्या है कि ये मैकेनिज्म थोड़ी सी आगे की है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कंसेप्ट बिल्कुल वैसे का वैसा लगने वाला है, ये वाला OH और ये वाला OH। अब ये वाला H+ इस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, नाउ इन दिस सिचुएशन बोथ OH सेम सिचुएशन, तो सेम सिचुएशन होने की वजह से कहीं पर भी अटैक कर जाएगा, लेकिन अगर वेरिएशन होता तो हमें देखना होता कि आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटैन। इसीलिए कहा जाता है जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होता है ना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये बात पता होनी चाहिए आपको, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा वाई इट इज सो, बिकॉज द H+ व्हेन रिएक्ट विद द वॉटर OH एंड रिमूव वॉटर एंड फॉर्म कार्बोकटैन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और हमें पता है कार्बोकैटायन में 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसका मतलब आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर कि हाउ मच द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मींस रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ गए, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर भी अटैक करवा लो, हम क्या करते हैं, हम इसी पर अटैक करवा देते हैं, और वाटर ये ग्रुप ऐसा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH, ये CH, ये CH3, यहां लगा दो पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया OH। अब देखो नाउ इट इज मोस्ट स्टेबल, क्या ये मोस्ट स्टेबल है, क्या
क्या ये प्लस चार्ज मोस्ट स्टेबल है? अभी तक कि अगर ये नहीं होता तो ये मोस्ट स्टेबल है और हाइड्रोजन निकलता, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब देखो ये प्लस चार्ज यहां से ज्यादा स्टेबल यहां पर होगा, ये प्लस चार्ज अगर यहां शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा यहां क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि चार्ज जब यहां जाएगा तो चार्ज सिंगल लोन पेयर, क्या चार्ज सिंगल लोन पेयर इज व्हाट, मेसोमेरिक इफेक्ट, बात समझ में आ रही है? चार्ज सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस से बड़ा होता है थोड़ा मेसोमेरिक इफेक्ट, ध्यान रखिएगा किसी कंपाउंड में मेसोमेरिक है किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है, तो जनती स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मेसोमेरिक इफेक्ट वाले की, ठीक है ना। ऑल्दो लोग समझते हैं कि रेजोनेंस ही होता है बट मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहां पर ये वाला प्लस चार्ज कहां जाएगा? यहां आ जाएगा और यहां आते ही ये कंपाउंड बन जाएगा CH3C पर प्लस चार्ज यहां आ गया, ये वाला OH यहां लगा रहा और यहां से हाइड्रोजन यहां चला गया CH2CH3, हाइड्रोजन यहां चला गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। नाउ इट इज मोस्ट स्टेबल, व्हाई? बिकॉज चार्ज सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर क्या, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ये स्टेबलाइज कर देगा इसको, समझ गया ना। तो अब ऐसी सिचुएशन, नाउ इट इज मोस्ट स्टेबल, अब क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? हाइड्रोजन हमने क्या कहा था, सर्जर तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्यों सर्जर? ये कहते थे कि वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो सर्जर के अकॉर्डिंगली या तो यहां से निकले या तो यहां से निकले, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक हाइड्रोजन ये वाला भी तो है, तो हमें देखना होगा कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, कार्बन से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। तो आंसर है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से निकलेगा क्योंकि यहां पर जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग होती है, तो डबल बॉन्ड यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां आएगा, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वो ये बन जाएगा, ये वाला देखिए, ये ब्यूटेन टू ओन बन जाएगा, ब्यूटेन टू ओन। नाउ इट इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अगला चैप्टर है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बन जाता है, जबकि यहां पर दो OH, अभी तक हमने एक OH लगा के दिया था, अब दो OH लगा के दिए, क्लियर हो रहा है। तो डबल OH में मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की वर्क करती है। नाउ इट इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन, ये भी एक डिहाइड्रेशन है, यहां पर एल्कीन नहीं बना है, एक OH होता तो एल्कीन बनता और दो OH है तो यहां पर कार्बोनाइल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए कितने स्टूडेंट्स अब तक आ चुके हैं, एक सेगमेंट है जो केवल अपलोडेड वीडियो देखता है ना, उनको जूम की क्वालिटी पसंद नहीं है। ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर सेम सिचुएशन, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहां पर लगा दिया जाए मिथाइल, यहां लगा दिया जाए मिथाइल, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम तो कुछ होगी नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, ये वाला CH3 वैसे का वैसा यहां लगा रहेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। और ये वाला भी CH3 यहां लगा रहेगा, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए सिचुएशन बिल्कुल सेम है। यहां क्या होगा, यहां से ये वाला प्लस यहां जाएगा तो यहां से मिथाइल यहां चला जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा, CH3 यहां चला जाएगा और एक CH3 ऊपर ऑलरेडी लगा रहेगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहां क्या होगा, वही CH3 ऐसा लगा रहेगा और ये प्लस यहां आएगा और प्लस से वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। एक्चुअली ये रिएक्शन इसलिए करवाई हमने क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम है पिनाकोल, एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्या पिनाकोल, पिनाकोल, समझ गए। तो ये जानते हो क्या है, ये ओन है, ओन है ना, तो ये पिनाकोल और ये पिनाकोलोन, समझ रहे हो, तो पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। आप इसको भी नोट करिए और लिखिए, ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी समझते हैं और ये हम आगे फिर से एक बार पढ़ेंगे, यहां पर कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, H+1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर कितने भी हो, धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को समझ लेंगे। अब लेकिन ध्यान रखना है, एक रहेगा तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, क्लियर, रब कर दूं इसको, थोड़ा फास्ट नोट करते रहा करिए, आगे बढ़ेंगे हम। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर सिचुएशन क्या है,
यहां सिचुएशन ये है कि ये वाला OH और ये वाला CH3 देखिए। अच्छा एक बात और, अगर ये OH यहां पर एक्सियल पे लगा है, ये वाला OH इक्विटोरियल पे लगा होता तो मैं ये पूछता किस OH पे पहले अटैक करेगा। तो ध्यान रखना एक्सियल वाली कंडीशन कम स्टेबल होती है ना, तो कम स्टेबल का मतलब क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो हमेशा एक्सियल वाले पर वो अटैक करेगा। ये बात हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखी है, हमने एक वीडियो अपलोड किया है द एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट फॉर वो RMGX LiAlH4 यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वहां पर हमने प्रॉपर वहां पर बताया क्योंकि वो आगे की बात है बेसिकली, इसीलिए उसको अभी हमने नहीं बताया, वो आगे आप देख सकते हो पहले के लिए पहले से ही। तो वो क्या होता है कि हमेशा आप ऐसे समझ लो ये एक्सियल होता है और अगर इधर होता OH तो इक्विटोरियल होता, तो एक्सियल वाले पे पहले अटैक करता, ठीक है ना। क्यों अटैक करता है ये बात हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर अगर H+ दिया हुआ है तो H+ कहां अटैक करेगा, फोर्थ इस पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पे भी अटैक करा सकते हो क्योंकि अभी तो सिचुएशन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना, जिसको एक बार नहीं समझ में आ रही है वो दो बार तीन बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चा सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होता है, बिल्कुल कंफ्यूज रहता है, उसको लगता ही नहीं है कि हो क्या गया, हो क्या रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो अब ये प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज में क्या मूव होगा, देखो ये OH यहां है, ये OH एंटी फॉर्म में है, तो यहां पर आप ध्यान रखना उसको मूव नहीं करा सकते, किसी एक को पकड़ के आप घुमा दो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे, ये OH तो OH से OH एंटी में है ना, CH3 तो एंटी है ही नहीं, हमें क्या करना होता है हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट करना होता है, तो यहां पर प्लस चार्ज है ये एंटी ग्रुप माइग्रेट ही नहीं होगा, एंटी ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, बात समझ पा रहे हो। तो एंटी ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो। अच्छा एक काम करो, इसको ऊपर से नीचे ले लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, इसको ऐसे अगर हम करा दें, पहले आप समझ लीजिए बाद में नोट करिएगा, इस H+ को हम इस पे अटैक करा दें, कहीं अटैक करा दो, चाहे ऊपर कराओ चाहे नीचे कराओ, लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये OH ठीक है ना, ये प्लस चार्ज देखो ये है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लस चार्ज है ऊपर जाएगा, तो ऊपर से एंटी ग्रुप OH तो कभी माइग्रेशन रखता ही नहीं है, है ना, OH थोड़ी माइग्रेट होगा, CH3 माइग्रेट होता, हाँ अगर CH3 ऊपर होता तो ये माइग्रेट हो जाता। अभी क्या करना होगा कि अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है टू अटेन द प्रोडक्ट, मतलब ध्यान रखना जबकि साइक्लोपेंटेन कम स्टेबल होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट होता है और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एंटी ग्रुप नहीं अवेलेबल है देन रिंग शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहां जाएगा तो ये वाली जो साइड है ना, दिख रही है ना, ये वाली पूरी की पूरी साइड इधर आ जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कल हमने आपको बता दिया था। तो देखो कैसे आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर वैसे का वैसा बना रहेगा, ये वैसे का वैसा बना रहेगा, जो जो है जो इस लाइन आपको क्रॉस करनी है, जो ट्रांसफर करनी है उसको आप, तो ये वाला क्या है, ये OH वैसे का वैसा लगा रहेगा, ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, ये वाला प्लस चार्ज यहां जाएगा और ये वाली जो साइड है जो यहां गई थी वो अब यहां चली जाएगी। गौर से देखिए जरा, जो वहां गई थी वो यहां चली जाएगी, तो ये वाली हमने हटा दी है यहां से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना है। कुछ बच्चों को 100% समझ में नहीं आ रहा होगा, वो घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करें, ड्राइंग करें अच्छे से, ठीक। ये प्लस चार्ज, नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल चार्ज सिंगल लोन पेयर, मेसोमेरिक इफेक्ट, और फिर वापस क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहीं से निकल जाएगा, अब यहां से नहीं निकलेगा, यहां से तो है ही नहीं, तो वहां से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बना, ये साइक्लोपेंटेन बना, देखिए 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन के इस कार्बन पे, इस कार्बन को देखो डबल बॉन्ड CH3 है और यहां पर भी CH3, नोट करिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस सिचुएशन, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है ना, जय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जय एडवांस में ही पूछा जाएगा, मेंस वाले तो समझते ही नहीं है इसको। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ कहना है बेटा, हाँ बेटा बोलो,
रिंग कॉन्ट्रैक्शन इस वाली सिचुएशन में जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ना यहां पर चाहे इससे भी करवाओ चाहे इससे, दोनों में से कहीं से भी करवाओ, एक्चुअली क्या है, हाँ उसके आगे की ये वाली यहां पे, अच्छा ये वाला क्यों नहीं कराया? हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते थे, बिल्कुल करा सकते थे। एक्चुअली क्या है, ये प्लस चार्ज ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, अब ये वाली साइड नीचे आएगी तो ये प्लस चार्ज ऊपर जाएगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ना, CH3 से स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये जब प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो ये वाली साइड जब उधर जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये वाली साइड उधर जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो इधर वाला जब शिफ्ट कराएंगे तो 1 डिग्री है और जब उधर कराएंगे तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इस वजह से क्या होगा कि ये वाली साइड ही इधर आएगी, ये वाली साइड उधर नहीं जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड के तोड़ने की और इस बॉन्ड के तोड़ने की, अभी तक की क्या होता था कि जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ये था, जरा समझना इस बात को, अभी ऐसा सिचुएशन है और अगर मान लिया यहां पर प्लस चार्ज है तो रिंग कंट्रैक्शन में इधर वाला भी जा सकता है और इधर वाला भी जा सकता है, जा सकता है ना भाई, इधर वाला भी जा सकता है इधर वाला भी जा सकता है। जैसे कल मैंने एक्सपेंशन में भी बताया था कि एक्सपेंशन में भी क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है यहां प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन में ये वाला भी जा सकता है और ये वाला भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो सिचुएशन बदल जाएगी कि इधर वाला जाएगा कि इधर वाला जाएगा, तो हमने कहा था कि हमेशा उधर वाला जाएगा जिधर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, उसके पीछे हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी डिफाइन की थी, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होता है, हिंड्रेंस ज्यादा होता है, हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, तो यही सेम सिचुएशन कॉन्ट्रैक्शन में भी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो जा सकता है लेकिन अगर कहीं डिफरेंस आता है कॉन्ट्रैक्शन में तो हमेशा क्या होगा कि हम उस ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाली जो लाइन है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये इन वाले ग्रुप्स के थोड़ा पास में है लेकिन ये वाली जो साइड है, ये वाली ग्रुप उतना पास नहीं है कार्बोकैटायन के, इसलिए इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है। हाँ बेटा, ओके क्या नाम है बेटा आपका? सर वो बिना कॉल टू बिना कॉल रिएजेंट रिएक्शन फिर से बताओ ना सर, नहीं समझा सर। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, बिना कॉल टू बिना कोलोन फिर से, क्योंकि बिना कॉल टू बिना कोलोन वाली सिचुएशन में ही ये कंटिन्यू होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको पिनाकोल टू पिनाकोलोन समझा देता हूं, लेकिन अभी पहले इसको समझा, इसको समझ लो, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। मैं पिनाकोल टू पिनाकोलोन फिर से समझा देता हूं। अभी आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा इस वाले तरीके से, हमेशा एंटी ग्रुप इस चेयर फॉर्म में एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा और एंटी ग्रुप माइग्रेट होने के बाद अगर एंटी ग्रुप नहीं है तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। देखिए पिनाकोल टू पिनाकोलोन में अभी जो मैंने समझाया है उसमें केवल और केवल इतना देखना है कि जो सेटजेफ रूल होता है, फिर से समझो जरा एक बार, गुड, अगर कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछ लिया करो, इससे क्या होगा तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये वाला CH3, ठीक है ना, यहां लगा हुआ है OH और यहां लगा हुआ है OH, ठीक है ना, और एच प्लस की रिएक्शन अगर करवाई गई ऐसे, तो अब हमने क्या कहा था कि एच प्लस यहां भी अटैक कर सकता है और H प्लस यहां भी अटैक कर सकता है। अभी हमने सिचुएशन सेम दी है, अगर हमने सिचुएशन सेम नहीं दी होती, मान लिया अगर ये वाली सिचुएशन दे दी होती हमने, आप सारी बातें अपने दिमाग में फिट करके चलिए, और H प्लस रिएक्शन दे दी होती, तो अब अगर मैंने आपसे पूछा होता कि H प्लस इस पे अटैक करेगा किस पे अटैक करेगा, तो आप सबको पता है कि यहां से जब OH वाटर निकलेगा तो 3 डिग्री बनेगा, यहां से निकलेगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो डेफिनेटली वो यहां अटैक करेगा, इस वाले OH पे अटैक करेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी यहां सिचुएशन सेम है तो कहीं पर भी अटैक करवा दो, ठीक है ना। तो जब जैसे ही मैंने यहां अटैक करवाया तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो है प्लस चार्ज, ये वाला यहां अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां प्लस चार्ज लग जाएगा और यहां लगा रहेगा OH। अब देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी वैसे के वैसे बने रहेंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन लगा रहेगा और यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस चार्ज जो ये है, क्या ये प्लस चार्ज मोस्ट स्टेबल है? हमने आपसे क्या कहा था डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि OH पर जब H अटैक करता है तो उसमें क्या होता है, वाटर निकल जाता है और वो बन जाता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बनने में क्या होगा कि वो पहले मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बनता है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन निकलता है, तो मोस्ट स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा यहां इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि चार्ज सिंगल लोन पेयर, आपको पता है चार्ज सिंगल लोन पेयर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? तो यहां पर ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा तो कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, समझिए जरा, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा CH3C
और ये वाला OH यहां लगा रहेगा और यहां आ जाएगा सी एक एच ऊपर है और एक एच ये वाला इधर चला जाएगा और यहां आ जाएगा सी एच थ्री और प्लस चार्ज। देखिए नाउ इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं, हम लोगों में जरा देखिए, हम लोग ऐसे समझते हैं कि सी एच टू, अभी तक की नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किए होते हैं ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। और यहां से हम लोग बोलते हैं कि H प्लस अटैक करवाओ, तो H प्लस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से OH हटा देते हैं तो प्लस चार्ज आ जाता है। अब हम ये कहते हैं हाइड्रोजन या तो इधर से हटेगा या तो हाइड्रोजन इधर से हटेगा। सर्जेप ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां पर मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, उस बीटा कार्बन से हटेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, सर्जेप यही तो कहते हैं। लेकिन हमने कहा सर्जेप आपको केवल इसलिए सीखना है क्योंकि सर्जेप एक रूल है जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन अब हाइड्रोजन यहां से और यहां से निकाला जाए और यहां से निकाला जाए, तो आपको पता है कि यहां से इसलिए निकाला गया क्योंकि निकालने के बाद ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, छह हाइपर कंजुगेशन के साथ, इसलिए यहां ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां सिचुएशन क्या है, यहां इस कार्बन से भी निकाल सकते हो, यहां इस कार्बन से भी निकाल सकते हो, दोनों सिचुएशन बिल्कुल देखो सेम है ना। लेकिन अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसा भी निकल सकता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से निकलना, कार्बन हाइड्रोजन से निकलना, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का निकलना बहुत फास्ट होता है और बहुत फास्ट होने की वजह से भाई कार्बन हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पर निगेटिव आएगा, कार्बन पर निगेटिव आएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर वहां पर अवेलेबल है और अगर वहां पर कीटोन फॉर्मेशन हो रही है तो कीटोन जो है मच 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 बेटर होता है एज कंपेयर टू एल्कीन के। तो जब भी अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि हाइड्रोजन निकलने की बात है कार्बन से, हाइड्रोजन निकलने की बात है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन निकलने की बात है ऑक्सीजन से, तो आपको पता है, तो आपको ये बात पता है अच्छे से। आवाज आ रही है ना हमारी, लाइट चली गई है, वाईफाई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, आ रही है ना। ओके, एक्चुअली क्या है कि लाइट चली गई है और वाईफाई शायद इन्वर्टर से कनेक्ट है। तो कार्बन से हाइड्रोजन अगर लगा होगा और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन लगा होगा और ऑक्सीजन से लगा होगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले निकलना प्रेफर करेगा, फिर नाइट्रोजन से, फिर कार्बन से। और अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल कार्बन ही है, तो फिर हम वहां से निकालेंगे जहां पर एल्काइलेटेड एल्कीन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा बने। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है बेटा? तो यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, यही तो है डाइहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोगों ने जनरली मोनोहाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डाइहाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है वहां पर हमेशा ऑक्सीजन से, आप खुद सोचो ना कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर कार्बन निगेटिव, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा यहां निगेटिव, इस हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां निगेटिव, तो ऑक्सीजन निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है कि कार्बन निगेटिव? ऑफकोर्स ऑक्सीजन निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ बेटा, यस यस बिल्कुल, आप समझ सकते हो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेकिन इस बात पर भी एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे टर्म्स है तो मोस्ट एसिडिक पर तो निकलेगा, लेकिन अगर केवल कार्बन है तो कार्बन में देखा जाए तो ये वाला 2 डिग्री बन रहा है, ये वाला 1 डिग्री बन रहा है, सॉरी ये वाला 1 डिग्री बन रहा है, ये वाला 2 डिग्री बन रहा है, तो 1 डिग्री वाला ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो यहां से निकलना चाहिए। लेकिन यहां से निकलता तो केवल कार्बन के केस में क्या होता है, हम केवल एल्कीन की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं। ये नोट करके आप सभी को लिख लेना होगा कि इन केस ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, आप नोट करके लिखो इस बात को, लिखिए इस बात को, लिखा देता हूं मैं, इन केस ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, इन केस ऑफ ओनली कार्बन एटम्स हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड फॉर्म मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स एंड फॉर्म मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स, वाइल फॉर अदर एटम्स, वाइल फॉर अदर एटम्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, लाइक अदर एटम्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर एटम्स द हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स वो हाइड्रोजन निकलेगा जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। क्लियर, इट इज कॉल्ड पिनाकोल टू पिनाकोलोन, ये है पिनाकोल और वो है पिनाकोलोन। तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां लग जाएगा सी दो एच ऐसे और सी एच थ्री। नाउ इट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। बेटा अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए। सर,
हाँ बेटा हाँ बोलो। नहीं बेटा सी एस थ्री पे एक ही कार्बन पे तीन ओ एच, एक ही कार्बन पे तीन ओ एच। अच्छा इंडिविजुअली देखो मैं आपको बताऊंगा ये बात भी आगे बताऊंगा। अभी क्या है कि जैसे मान लिया ये सिचुएशन हो गई, यहां ओ एच लगा दो, यहां ओ एच लगा दो, चलो यहां ओ एच लगा दो, चलो यहां पर एच प्लस की रिएक्शन करवा लो एक और, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं। अब यहां सिचुएशन क्या है, ये एच प्लस यहां अटैक करेगा, ओ एच यहां है, ओ एच यहां है, ओ एच यहां, कहां एच प्लस अटैक करेगा। तो अब आपको देखना है कि यहां से ओ एच निकलेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला ओ एच निकला तो 1 डिग्री बनेगा, यहां से ओ एच निकला तो ये 2 डिग्री बनेगा, ये वाला ओ एच निकला तो ये 1 डिग्री बनेगा। तो कहां अटैक करना चाहिए, ऑफकोर्स मिडिल में अटैक करना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है, चलो अटैक कराते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ओ एच यहां जाएगा, ये ओ एच यहां जाएगा, ये प्लस चार्ज यहां जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। जरा देखो यहां सी एच टू है, यहां सी एच है, यहां सी एच थ्री है। बेसिकली इट इज वॉट, इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इसको हम कहते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं। हालांकि तुम लोग टेंशन मत लो, एल्कोहल अभी चैप्टर पढ़ना बाकी है, एल्कोहल में सारी चीजें हम वापस फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन इस चैप्टर की वैसे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां एल्कीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमें मेनली क्या पढ़ना होता है, एल्कीन फॉर्मेशन का काम, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया है तो देख लो। तो अब एच प्लस ओएच से अटैक करेगा क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, एच प्लस यहां अटैक कर जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि दोनों सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। और अगर अलग अलग होती तो वहां शिफ्ट होता जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती। तो अभी क्या करो, इसको इधर शिफ्ट करवा दो। तो कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, सी ये वाला ओएच ऐसे रहेगा, ये वाला प्लस चार्ज रहेगा, ये वाला ओएच ऐसे रहेगा, ये वाला प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब जैसे ही प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा, वन मोर पॉइंट, जैसे ही प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा, नाउ इट इज स्टेबल। अब ये स्टेबल है, ये प्लस चार्ज कहीं शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि चार्ज सिंगल लोन पे रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो चुका है, क्लियर। अब क्या होगा, हाइड्रोजन निकालना होगा। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स यहीं से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात खास बता दूं आपको, जो बच्चे अगर मान लिया आपने जबरदस्ती, थोड़ी और अंदर की बात समझ लो, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला, ढंग से समझना, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला तो ये इन बन जाएगा ना, और इन और ऑल, इन और ऑल एसिडिक मीडियम में वापस फिर से टॉटोमराइज होकर वो कीटोनिक फॉर्म में चला जाएगा या डिहाइड्रिक फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है कि अगर आपने हाइड्रोजन यहां से निकाल भी दिया धोखे से तो वो इन ऑल टॉटोमराइजम, टॉटोमराइजम पढ़ा होगा सभी ने, तो टॉटोमराइजम में इन ऑल होता है, वो टॉटोमराइज हो जाएगा और फिर से वो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप उस स्टेप पे जाओ और फिर आगे जाओ तो उससे अच्छा है कि कार्बन यहां, कार्बन से हाइड्रोजन यहां भी निकल सकता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहां भी निकल सकता है। इन दोनों में ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है इसलिए यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। और यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा H और ये बन जाएगा OH। बात समझ पा रहे हो, ये सिचुएशन यहां से बन गई और H प्लस का हमने एक मोल लिया था। अगर एक मोल और ले लेते H प्लस, एक मोल और ले लेते तो ये H प्लस कहां, फिर यहां अटैक कर जाता और ये बन जाता वापस फिर से सी एच ओ और यहां बन जाता प्लस चार्ज। ये जरा देखो इस चीज को, ये डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज फिर स्टेबल होता, ये प्लस चार्ज स्टेबल होने के लिए यहां नहीं जाता क्योंकि ये अगर प्लस चार्ज यहां जाता तो चार्ज सिंगल डबल हाईली अनस्टेबल हो जाता। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां जब अगर ले आएंगे तो चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा, देखो ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि चार्ज सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये प्लस चार्ज यहां नहीं जाएगा, यही स्टेबल कंडीशन रहेगी और हाइड्रोजन वापस निकलेगा तो यहीं से हाइड्रोजन निकलना पड़ेगा। एंड इट इज वॉट, एक्राइलेल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं प्रोपीनल एक्राइलेल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल से एक्राइलेल्डिहाइड बनाने के तरीके भी पूछे गए हैं हमारे सिलेबस में, नोट करिए। ये थोड़ा आपने ज्यादा की चीजें पूछ ली हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एल्कोहल के चैप्टर में कवर करेंगे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल सेम लेवल पर काम करेगा। चलिए नोट करिए जल्दी से, फास्ट थोड़ा नोट करें। क्लियर। तो यहां पर ये सिचुएशंस आती हैं,
हम इस तरीके से वर्क करेंगे और यहां पर ये तीन अल्कोहल का यहां पर काम होगा, ठीक है ना। आपको जो भी इसके अलावा और भी अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमसे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी लोग जुड़े हुए हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छे से काम कर लो, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम है, हम यहां पर प्रॉपर तरीके से एल्केन एल्कीन और एल्काइन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं किसी के दिमाग में लेस मात्र भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा क्यों नहीं टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है वाला अगर आ जाएगा तो टूटने वाला अपने आप टूट जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप पूछ सकते हो हर तरीके से और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लगे हुए हो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद पॉइंट नंबर टू, ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन। बात समझ पा रहे हो, डिहाइड्रेशन का रेट कैसा होगा। चलो एक क्वेश्चन लास्ट सॉल्व कर लो जरा, डिहाइड्रेशन का रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन जरा बताओ किसका फास्ट होगा। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको बढ़ने के साथ, बढ़ने से घटने के क्रम में लगाना है इसको, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन OH, B C D। तो छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया है, आपको सिंपली बताना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का। चलिए बताइए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना होगा ये OH रिमूव करना होगा, H अटैक करेगा OH पे, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल जाएगा, तो OH माइनस H प्लस वाटर निकला तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहां पर ये निकलेगा ये प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां पर ये निकला ये प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां पर ये निकला ये प्लस चार्ज आ जाएगा। और आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सभी ने पढ़ रखी है ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो उसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, दिख रहा है। साइक्लोप्रोपाइल का मिथाइल कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल केस विद अ डांसिंग रेजोनेंस, कल भी हमने एक बात की थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है और ये वाला डबल वाला है, तो उसके बाद डी, उसके बाद फिर ए और उसके बाद फिर सी, ये ब्रिज हेडेड कार्बोकैटायन है। और हमको पता है कि ब्रिज पर कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना है ब्रिज पर कार्बोकैटायन हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है, स्टेबिलिटी तो कभी भी ब्रिज वाले कार्बन पर। यह बात हमने आपको डीकार्बोक्सिलेशन में भी बताई थी, डीकार्बोक्सिलेशन वाले में भी, कि वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ब्रिज वाले कार्बन पर कोई भी जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो सबसे लास्ट हो जाएगा। अच्छा, बी सबसे पहला है, सी सबसे लास्ट है, ए और डी में तो कहीं कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है ना। बी इज मोर स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस पता है ना, प्रकाश डालू थोड़ा डांसिंग रेजोनेंस पे, वैसे बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा केस है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल केस, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। ये डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट रेट इस तरीके से पूछा जा सकता है। लो छोटी सी बात मैं समझा देता हूं आपको, कि देखो कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ऐसा, देखो ऐसा ये लिखा हुआ CH2 पर प्लस चार्ज, ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, व्हाई इट इज सो स्टेबल, इसको इतना ज्यादा स्टेबल क्यों मानते हैं हम, इसलिए मानते हैं क्योंकि आप देखिए ये वाला जो कार्बन है ना, यहां पर देखना ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन, तो यहां पर ये जो कार्बन्स लगे हुए हैं ऐसे, इनके बीच में इसी तरीके से तो ओवरलैपिंग होती है, ऐसा देखो ऐसा इनके बीच में ऐसी ओवरलैपिंग होती है ना, ऐसी, समझ पा रहे हो ना, देखो। और यहां पर क्या होगा सी, और यहां पर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल ऐसे CH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना।
ऐसे तो होता है ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो ये वाला सिग्मा बन रहा होगा, ये वाला जो सिग्मा बन रहा होगा, ये वाला सिग्मा बन रहा होगा, आपने अभी तक सिग्मा देखे होंगे, या तो ऐसा बनता है सिग्मा ऐसा, या तो सिग्मा ऐसा बनता है, देखो ऐसा। तो भाई ये वाला हमारे पास सिग्मा होता है, ये वाला पाई होता है, जिसमें पाई हमारे पास वीक होता है। तो सिग्मा या तो ऐसे बनता है ना, यहां पर ऐसा तो बन ही नहीं रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि थोड़ा बेंट शेप हो रही है। बेंट शेप का मतलब ये है कि भाई ये वाली सिचुएशन, ऐसा सिग्मा कब से देख लिया आपने बनते हुए, ऐसा ये वाला सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से कुछ मैनेज होता है कि यहां पर, इसीलिए इसको बेंट शेप कहते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन में इसीलिए स्ट्रेन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड जो है बहुत वीक होते हैं। तो बहुत वीक होने की वजह से, ड्यू टू द बेंट शेप, बेंट शेप होने की वजह से, स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से, भाई स्ट्रेन ज्यादा क्या है कि ये कार्बन है, यहां पर कार्बन कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और जबकि होना कितना चाहिए भाई, हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन कितना 109.5 डिग्री होना चाहिए, और है 60, तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना। तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, उससे ज्यादा फिर साइक्लोब्यूटेन, उससे ज्यादा साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहां तो स्टेबिलिटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी मतलब बहुत तेजी से ये एक्टिवेट है। अच्छा, दूसरा ये है सिंगल बॉन्ड, और आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो है आसानी से रोटेट करता है, रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड में। रोटेशन जानते हो कितना होता है, 10 to the power 6 साइकिल्स पर सेकंड के आसपास होता है, मतलब एक एक सेकंड में इतना घूम जाता है इतनी तेजी से। तो ये जब घूमता है ना बहुत तेजी से सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, कंफॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंगली, तो ये जो पाई वैकेंट पी ऑर्बिटल जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इसके ऊपर बम्बार्डिंग होती है। प्रैक्टिकली समझो इस बात को, रट्टा मत मारिए, कि जैसे ये घूमेगा तो घूमने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये बहुत वीक है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बम्बार्डिंग होती है, गन मशीन की तरह चलता है, जैसे AK-47 चलता है ना, इसने इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डिंग की, इसने इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डिंग की, इसने इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डिंग की, तो बम्बार्डिंग इतनी फास्ट होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बहुत छोटा हो जाता है। इतनी तेज घूम रहा है और इतनी ये वैकेंट, ये मतलब हमारे पास वीक हैं और इसने इस पर बम्बार्डिंग की, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही इंक्रीज होती है तो इसलिए हम कहते हैं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इसको कैसे हम डिनाई करते हैं, ये कंपाउंड जो है ऐसा बनने लगता है। देखो ऐसा आता है, यहां पर आता है CH2 पर प्लस चार्ज, तो क्या होगा ये बॉन्ड पहले ऐसे टूटता है ऐसे इसमें, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं ना, जैसे बम्बार्डिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो क्या होता है कि यहां पर माइनस यहां प्लस, तो ये वाला आ जाता है डबल बॉन्ड CH2 और ऐसा, ठीक है ना। और एक बार इधर वाला भी बॉन्ड भाई टूट सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और यहां पर ऐसा, और ये वाला क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा प्लस, यहां आएगा प्लस, ठीक है ना। तब आप देखो एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, तो आपने क्या डांसिंग स्टेप्स क्या होते हैं, एक बार पैर आगे, एक बार पैर पीछे, एक बार पैर आगे, एक बार पैर पीछे, आपको कुछ ना आता हो तो बस पैर आगे पीछे, पैर आगे पीछे, यहां ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करने लगोगे ना तो सामने वाले को दिखेगा डांस कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप, एक बार देखो पैर आगे, एक बार पैर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इट इज कॉल्ड डांसिंग, डांस की तरह काम करता है, इसलिए डांसिंग रेजोनेंस होता है। और हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपाइल का मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा नहीं, बेंजाइल वगैरह से ज्यादा, इससे भी ज्यादा एक हम बना सकते हैं, जानते हो कौन सा, इससे भी ज्यादा हम बना सकते हैं, हम एक और साइकिल लगा दें, इससे भी ज्यादा बना सकते हैं हम, क्या एक और लगा दें, चारों तरफ लगाते ही चले जाएं, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, समझ पा रहे हो। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल, आप समझ चुके हो। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल जानते हो कौन सा होता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, देखो ये है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, ये देखो ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा नहीं है अभी बनाऊंगा, ये है एरोमेटिक कंपाउंड दो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहां पर ऐसा लगा दो ऐसे, यहां पर लगा दो ऐसे, और इसमें ये तो पूरा पूरा एक काम करो, ये पूरा घूम रहा है ना ऐसा, और यहां लगा दो ऐसे, देखो ये प्लस चार्ज घूमेगा तो प्लस यहां भी आएगा, प्लस यहां भी आएगा, प्लस यहां भी आएगा, तो तीनों तो ये स्टेबलाइज हो जाएंगे और अपने आप में खुद का ही एरोमेटिक है। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा कार्बोकैटायन कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, अभी तक की डिस्कवरी नहीं है, आगे हो जाए तो पता नहीं, समझ में आ रहा है। ओके।
ज्यादा सर के ऊपर से तो नहीं निकल रही चीजें पकड़ो अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। नाउ कम टू द सेकंड प्रिपरेशंस ऑफ ऑफ एल्कीन। लेकिन अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, लॉकडाउन का पूरा टाइम हमारे पास है। दूसरा, अब डिहाइड्रेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं डी रखेंगे अभी हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ऑलरेडी ये चीज तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आसानी से पढ़ चुके हो। कहां पढ़ा है? एल्काइल हैलाइड में पढ़ लिया होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड भी चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी माने रिमूव होना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हैलोजन माने हैलोजन, यानी कि कभी भी हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है ना। यहां से बनाएंगे हम एल्कीन, जरा देखो कैसे। हमने कहा कि रिएक्शन लिखी हुई है CH3CH2X, सिंपल। इसकी रिएक्शन करवा दी गई किससे? अल्कोहलिक KOH से। इसकी रिएक्शन करवा दी गई अल्कोहलिक KOH से, तो बिना किसी इफ एंड बट के। आपको पता है कि वैसे जैसे डिहाइड्रेशन किया था ना हमने, सेटजेफ रूल लगाया था, तो यहां पर भी सेटजेफ रूल ही लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स यहां से निकलेगा, ये अल्फा है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, बीटा है, ठीक है ना। और क्या होगा? एक बैलेंस यहां से ब्लैंक, एक बैलेंस यहां से ब्लैंक, और निकल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HX। लेकिन ध्यान रखना HX में क्या होगा, ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे रिएक्शन कर जाएगा, तो रिएक्शन करने पर क्या होता है, KX प्लस H2O, ठीक है ना। KX प्लस H2O, इट इज व्हाट? इट इज इथाइलीन, इट इज कॉल्ड इथाइलीन, ये इथाइलीन बन जाता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये आपको ये देख के याद आ गया होगा कुछ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, समझ आ रहा है। और ये क्या है? एलिमिनेशन है। अब देखो, है ना, एलिमिनेशन कैसे पता चलता है एलिमिनेशन है? अरे कुछ रिमूव हो रहा है ना, इधर H इधर X, तो पूरा इधर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोथ विल बी रिमूव्ड, बीटा एलिमिनेशन है बाय डिफॉल्ट, बीटा एलिमिनेशन है ना। और बीटा एलिमिनेशन आपको पता है, वही सेटजेफ रूल लगाया था हमने वहां पे, वो वाली थी E1, और ये वाली जानते हो कौन सी रिएक्शन है? ये वाली है रिएक्शन E2 रिएक्शन। याद आ रहा है आपको? सब कुछ याद आ गया होगा। इट इज कॉल्ड E2 रिएक्शन, ये एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। अच्छा, कैसे पता, कैसे चला? इससे तो पता ही नहीं चलेगा, हालांकि बिल्कुल पता चला होगा। ये वाला हमारे पास 1 डिग्री है। अच्छा, E1 का ऑर्डर जानते हो क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा, SN1 का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जरा देखो, SN1 का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसा ना। SN2 का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। अच्छा, E1 का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। E2 का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। रट्टा नहीं मारना है, हमने आपसे कहा था ये पूरा 10 का दम हर जगह अप्लाई होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये 3-2-1 3-2-1, मतलब यहां पर दोनों में वही क्या लगेगा? सेटजेफ। सेटजेफ का मतलब मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, चाहे E1 देखो चाहे E2 देखो, आपको बस देखना होगा एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल होता है, बस और कुछ नहीं देखना होगा इसके अलावा, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हो। तो यहां पर जो है हमें क्या करना होगा, इसको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट मत करो। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन होगी। E1 में क्या यूज किया जाता है? E1 में वीक बेस यूज किया जाता है, वीक बेस। और E2 में क्या यूज किया जाता है? E2 में यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आप ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, E1 में वीक बेस यूज किया जाता है और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है। ये मत पूछना बेस क्या होता है ना, ये मत पूछना, या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है। अच्छा, ये वीक बेस होता क्या? वीक बेस सिंपली आप ऐसे मान लो कि पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, तो पानी और शराब बस, चाहे SN1 हो चाहे E1 हो, केवल पानी
पानी और अल्कोहल, अल्कोहल ही लिख दो, शराब ठीक नहीं लगता, अल्कोहल, पानी में अल्कोहल मिलाओ, अल्कोहल में पानी मिलाओ, किसी में किसी को मिलाओ, ये होते हैं वीक। एसन वन में भी यही यूज किए जाते हैं और इवन में भी यही यूज किए जाते हैं, दोनों में। आप बस याद रखो कि बस ग्लास लो, उसमें अल्कोहल भरो और पानी डाल दो, वीक, आदमी वीक हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, शराबी सब वीक होते हैं, एक झापड़ लगा सब नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये सब वीक आदमी होते हैं। तो वीक आदमी वन, इवन हो चाहे असंग हो, वीक हो। लेकिन जबकि अल्कोहलिक के वच, अल्कोहलिक के वच इज नॉट वीक, ये वीक नहीं है। सी एस थ्री ओ एन ए, सी एस थ्री ओ के, सी टू एच फाइव ओ एन ए, सी टू एच फाइव ओ के, ये सारे के सारे स्ट्रांग हैं, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई ये हमारे पास ई टू रिएक्शन है। क्या है, कैसे है, इस पर हम प्रॉपर कल प्रॉपर डिस्कस करेंगे कैसे क्या। तब तक आपको क्या करना है कि आप इसका रिवीजन करो अच्छे से, और जितने रिएक्शंस हम पढ़ा रहे हैं उसको घर पे प्रैक्टिस करो, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो पेपर पे लिखो और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना। कहीं किसी कंसेप्चुअल अप्रोच में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।